पिता का प्यार समंदर की तरह तब उमड़ने लगता है जब उसकी औलाद उसे प्यार से पापा कहकर बुलाए, वो भी तब जब रिश्तों में खटास आ जाए। जिस तरह आज अंगद को अकीद ने इतने सालों बाद पापा कहकर जब बुलाया, तब अंगद अपने जज्बातों पर काबू ना पा सका। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अकीद को अपनी मोहब्बत की आगोश में भर लिया। से अकीर अंगद की लाइफ में आया है और जो भी सिचुएशंस रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके बाद, वो एज अ फादर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो अंगद सिंह ब्रार ही बुलाता था। आज पहली बार वो अंगद को पापा कह के बुलाता है, तो इट वाज एन इमोशनल मोमेंट। अंगद इज़ वेरी हैप्पी अकीर ने एक्सेप्ट कर लिया उसे एज अ फादर। बात दरअसल ये है कि आज अकीर की दस्तार बंदी है, यानी कि उसकी पग बांधी जाएगी और ये रस्म बहुत ही अहम होती है। ऐसे में अकीर जिद करता है कि वो दादी के हाथों से नहीं बल्कि गुरनूर के हाथों से पगड़ी बनवाना चाहता है। अब बच्चे की जिद के आगे हर कोई हार जाता है। खैर, इसी दौरान आज अकीर का प्यार भी उमड़ पड़ा अपने पापा के लिए। अचानक से कहता है कि वो पग नहीं बंधवाना चाहता दादी के हाथों, वो मिस गुरनूर के हाथों ही बंधवाना चाहता है। उसके अपने रीजंस हैं उसके लिए। अब अच्छी बात ये हो गई कि अंगद को उसका बेटा मिल गया, यानी कि अब अकीर उसे मिस्टर ब्रार नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि आगे की कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा। वैसे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक SBS वहां तक। मुंबई से प्रिया धापड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल कुमकुम भाग्य में हर किसी का हो रहा है हृदय परिवर्तन टुवर्ड्स पूर्वी, क्योंकि क्या है ना कि पूर्वी आरवी घर आ गए हैं और अब तो घर वालों को भी लगता है कि पूर्वी को क्रेडिट मिलना चाहिए, आरवी को बचा के लेकर आई है। सो मच सो हरलीन और सासू माँ भी जो है वो पूर्वी की तरफ अपना एटीट्यूड बदल रहे हैं। तो हो सकता है कि पूर्वी के अच्छे दिन आ रहे हो, मतलब हो सकता है, वी आर नॉट गारंटिंग एनीथिंग क्योंकि ये टीवी की दुनिया है, लेकिन आसार ऐसे दिख रहे हैं। जब मुसीबत के बादल छटते हैं तभी तो खुशियों की बरसात होती है, और अब पूर्वी की जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब तक तो पूर्वी को अपनी सासू माँ और ससुराल वालों का प्यार नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से अपने सुहाग आरवी के लिए पूर्वी ने अपनी जान की बाजी लगाई, उसे देखकर घर वालों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। यहाँ तक कि पूर्वी की सासू माँ हरलीन के दिल में भी पूर्वी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही है। तभी तो आज सासू माँ को पूर्वी की कितनी चिंता हो रही है। आरवी पूर्वी सेफली घर आ गए हैं एंड हरलीन माँ को लगता है कि आरवी को कहीं ना कहीं नज़र लगी है, तो घर पर एक पूजा का प्लान हो रहा है जो नेक्स्ट डे होगी। तो ऑल्सो दादी दादू पापा मम्मी सबको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्वी ने हेल्प की तो है आरवी की, उसकी जान बचाई तो है, तो सब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब आरवी के साथ साथ सभी लोग घर पर सही सलामत आ गए हैं और हरलीन ने फैसला किया है कि वो आरवी के लिए गृह शांति पूजा भी करवाएगी। अब ये सब कुछ देखकर अगर कोई जल रहा है
तो वो है मोनिशा। हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मोनिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से कि कैसे आरवी, जब उसने कुछ एजेंट्स भी भेजे थे तो आरवी ने कह दिया कि मैं पूर्वी के बिना नहीं आऊँगा, तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये दोनों क्लोज आ रहे हैं, आरवी पूर्वी के बिना बाहर नहीं आया और अब घर वाले भी पूर्वी की बातें कर रहे हैं, तो उसे बुरा लग रहा है। मोनिशा, हम तो बस यही सोच रहे हैं कि अब आपका क्या होगा, क्योंकि अगर आरवी की माँ हरलीन पूर्वी की साइड हो गई तो आपका पत्ता कट जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि आज सीन करने में इन सभी लोगों को काफी मजा आया, जहाँ सेट पर ढेर सारी मस्ती हुई। और आज तो पूर्वी के लिए खुशी वाला दिन भी था, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो सेट पर आए थे उनसे मिलने। अब जब सेट पर कोई नया आता है तो सेट का माहौल ही बदल जाता है, जैसे कि यहाँ पर जब पूर्वी के मम्मी पापा आए तो वो सभी लोगों से मिले और ढेर सारी मस्ती हुई। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और सीरियल में भैया हीरो हीरोइन ऑन द फेस ऑफ इट चाहे जो मर्जी चाहे, लेकिन होगा तो वही जो कहानी लिखने वाला चाहता है। और कहानी लिखने वाले ने सवि और रजत को मिलवाने की ठान ली है, तो ना चाहते हुए भी इनके रास्ते जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और जहां ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एक दूसरे से टकराते तो पक्का ही है। लेफ्ट रोको, 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 प्लीज, प्लीज, प्लीज। बहुत दिन से ऐसा नहीं, हंसने का मन कर रहा है। लिफ्ट में हो, पब्लिक प्लेस पे हो, अपने घर के पार्टी हॉल में नहीं हो। अभी इतना हंस रहे हो ना, जिसने जिंदगी ने हंस दिया हंसना भूल जाओगे। नहीं मिस्टर, आपको अपनी बेटी के लिए टाइम निकालना। देखिए मिस कॉल, सभी ओके, सभी ये बात हम बाद में नहीं कर सकते, ये बात हम बाद में नहीं कर सकते। अब इसे किस्मत का इशारा कहे या फिर मेकर्स की स्क्रिप्ट, पर सवि और रजत ना चाहते हुए भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब है तो ये एक दूसरे के पड़ोसी ही, तो एक दूसरे के आमने सामने तो आएंगे, जैसे कि आज इन दोनों की मुलाकात हुई लिफ्ट में। किस्मत कनेक्शन तो देखिए, यहाँ भी वो एक दूसरे के करीब आ गए, हालांकि इनके बीच का ये रिश्ता फिलहाल तकरार से शुरू हो रहा है। सीन ये है कि मैं लिफ्ट में जा रहा होता हूँ और सभी मुझसे बात करने की कोशिश करती है सही के रिगार्डिंग, तो अचानक से कुछ लोग आते हैं और जैसा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब लोग लिफ्ट में जाते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं या वो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हैं, तो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स लिफ्ट में जाते हैं और अचानक से धक्का लगता है और कॉफ़ी मेरे ऊपर गिर जाती है, तो फिर उसके बाद जो डिस्कशन होता है जो मैं उनको डांट लगाता हूँ। अब दोनों लिफ्ट में हैं, ऐसे में सवि ने सोचा कि क्यों ना रजत से सई के बारे में बात की जाए, जहाँ सई रजत से कहती है कि उसे सई के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन भाई हमारे हीरो रजत को समय कहाँ है, ऐसे में वो सवि से साफ मना कर देता है कि उसे सई के बारे में जो भी बात करनी है वो जाकर उसकी दादी से करे। लेकिन देखिए तो तब हमारी हीरोइन हीरो को क्या आइडिया देती है। आप बताइए, अपनी बेटी के बारे में बात करने के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं? इट्स ओके, इट्स ओके, लंच टाइम में नहीं मिलते हैं, अभी मुझे जेन्युइनली बहुत जरूरी काम है। स्कूल के बाहर एक कॉफी शॉप है, वहां मिल सकते हैं? ओके। सभी रजत से कहती है कि स्कूल के पास एक कॉफी शॉप है, वहाँ मिलते हैं। अब इसे हम पेरेंट टीचर्स मीटिंग कहें या फिर डेट, ये आप ही बताइए। सभी मुझसे पूछती हैं कि वो सही से सही के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं एंड फिर हमारी मुलाकात होगी, अभी वो एक सीन है। खैर जो भी हो, लेकिन खुशी तो हमें इस बात की है कि रजत और सवि के बीच नई शुरुआत हो रही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे इनकी ये तकरार प्यार में बदलेगी। शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसे कहते हैं। अब देखिए मेहंदी हो रही है तेजस की, लेकिन यहाँ पे सचिन जो है वो साइली को मेहंदी लगा रहे। ठीक है यार, लव इज इन द एयर और शादी के माहौल में तो फॉर सम रीजन लोग जनरली रोमांटिक हो ही जाते हैं। दो आई नेवर रियली अंडरस्टूड कि इसके पीछे वजह क्या होती है। बात है, पति हो तो ऐसा एकदम सचिन के जैसा है। मैदान में सचिन तेंदुलकर सबको चौके छक्के से धो डालता है, तो यहाँ पर ये वाला सचिन भी कुछ कम नहीं है। देखिए कैसे अपने ही घर में अपनी माँ को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब क्या बताएं, इस सचिन की माँ है ही कुछ ऐसी। अपनी बहू साइली को वो घर की नौकरानी समझती है। एक तरफ बेटे की मेहंदी हो रही है, होने वाली बहू को ये बड़े प्यार से बैठाई है, तो वहीं ये दूसरी बहू के हाथ में मेहंदी भी नहीं रचवा रही है, है बल्कि उससे काम करवा रही है। अब सचिन तो सचिन है, जो देखता है मुंह पे बोल देता है, तो इधर भी उसने सबके सामने अपनी माँ को कह दिया कि मेरी साइली भी मेहंदी लगाएगी और उसे मेहंदी मैं खुद लगाऊंगा। ही स्टैंड्स फॉर मी के साइली को मेहंदी क्यों नहीं लगाई, साइली को मेहंदी लगाओ ये वो। सो ही इज़ लाइक कि नहीं, अब कोई नहीं लगाएगा, मैं ही लगाऊंगा। सो साइली इज़ वेरी इम्प्रेस्ड एंड जूही आई भी देखते हैं ये चीज़ की ही इज़ अ नाइस पर्सन जो कि हेल्प कर रहा है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ ये देखकर कि सचिन यू नो बिना बोले ही इज़ नाउ यू नो इंक्लाइन टूवर्ड्स मी। तो अच्छा लगता है ये देख कर कि ही इज़ देयर फॉर मी। अब बताइए ऐसा पति किसे मिलता है। अब साइली ये तुम्हें ऐसा पति मिला है ना, तो उसे सर आंखों पर रखना। देखिए भले ही उसे मेहंदी लगाने ना आती हो, लेकिन अपनी पत्नी के हाथ में वो मेहंदी जरूर लगा रहा है। ये पल बहुत ही कीमती है साइली के लिए। उसका पति उसे इतना चाहेगा, साइली को तो कभी नहीं लगा होगा। हे खैर आज जरा माहौल देखिए, सच धज कर सभी ने मेहंदी के फंक्शन में चार चांद लगा दिए हैं, और साइली वो तो इतनी खूबसूरत लग रही है कि सचिन अब हर दिन उसे ही निहारता रहता है। इनके प्यार की जो शुरुआत हो रही है ना, ठीक वैसे ही जैसे मानसून में हल्की हल्की बरसात होती है। मुंबई
से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इसीलिए मुझ को अपने वश में किया ताकि शादी की रात मुझ की बलि ले। इसी के अंदर चुड़ैल है मां साहब। सुहागन चुड़ैल की हो रही है मेहंदी और इस मेहंदी में न जाने ऐसा कौन सा रंग शामिल हो गया है कि घर के जितने भी सदस्य हैं ना वो सब केवल एक मूर्ति बनकर रह गए हैं। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि ये क्या तरीका है। अब ये तरीका चुड़ैल का है। दिया और मोक्ष को चुड़ैल की सच्चाई का पता चल गया है तो ऐसे में अब चुड़ैल करे तो क्या करे। इस सब को उसने स्टैचू कर दिया है। मोक्ष को तो अपने वश में कर लिया है और दिया के साथ अब घमासान हो रहा है। ये क्या हो गया? कहाँ चले गए सब? मोक्ष ये पूरा नजारा सब देख रही हैं, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं है। दिया और मोक्ष एक टीम में आ गए हैं और उन्होंने दिया निशिगंधा के अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचा, एक गेम प्लान किया है। सो प्रैक्टिकली अभी निशी थोड़ा सा वीक है अभी एंड मोक्ष और निशिगंधा आर ऑन द हायर लेवल राइट नाउ। सो अब देखते हैं कैसे क्या चीजें आती हैं और कैसे क्या होता है। इसी बीच में नाच गाना भी हो रहा है। अब चुड़ैल के जमाने में जरा देखिए खिलजी वाला गाना भी बज रहा है। ये थोड़ा सा हमें अजीब लगा। उसके बाद दिया का भी डांस है। अब दिया चुड़ैल के सामने नहीं आ सकती है इसीलिए वो घूंघट की आड़ में डांस कर रही है। इतना सब कुछ हो रहा है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। किसी को अगर कुछ पता है तो वो है दिया और चुड़ैल। मोक्ष को भी पता है लेकिन फिलहाल अभी वो अपने सेंस में नहीं है। इसीलिए तो इस सब कुछ चुड़ैल आराम से कर पा रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो शादी भी हो जाएगी और दिया तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कुछ अगर करना है तो सबसे पहले चुड़ैल की शक्तियाँ उसे छीन लो। बाकी का काम तो अपने आप ही हो जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया
मुझे ना ये कंफ्यूज्ड इमोशंस कभी समझ नहीं आते. कंफ्यूज्ड ही तो है भैया, आप जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से ही आप एकदम तिल मिला रहे हैं. इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों रखना लाइफ में यार, कीप इट सिंपल, जो है वो बताओ ना. अब देखो झनक में क्या हो रहा है, अर्शी और अनिरुद्ध की हल्दी हो रही है. अब झनक नहीं चाहती कि अर्शी की शादी हो अनिरुद्ध से, फॉर दैट मैटर अनिरुद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन नहीं, एक दूसरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा. बल्कि झनक सामने से जाकर अनिरुद्ध को हल्दी भी लगा रही है. अंदर से क्या फील हो रहा है इन दोनों के, आइए इन्हीं से पूछते हैं. चाहते हुए भी देखिए अनिरुद्ध को इस शादी की उन सभी रस्मों को करना पड़ रहा है जो वो नहीं करना चाहता है. अब क्या करे, वो झनक से ये कबूलवाना चाहता है कि उसे भी प्यार है. अब झनक इतनी जिद्दी है कि अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रही है. इसके बावजूद वो ये नहीं कह रही है कि अनिरुद्ध ये शादी मत करो. देखते ही देखते हल्दी भी आ गई है. हल्दी को गाय हलूद बोलते हैं और दूल्हे के मतलब लड़के को जो हम हल्दी लगाते हैं वही हल्दी ले जाकर लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं और उसी हल्दी से दुल्हन को हल्दी लगती है. इस हल्दी के फंक्शन में इस सब ने अनिरुद्ध को हल्दी लगाई, लेकिन जब झनक को हल्दी लगाने की बारी आई तब उससे कहा गया कि तुम डांस करो. आज तो तुम्हें डांस करना ही पड़ेगा, तुम डांस करो हम तुम्हें फॉलो करेंगे. अब जो लड़की खुश बिल्कुल भी नहीं है, भला वो डांस कैसे करेगी. अब झनक को सब ने फोर्स किया है तो उसे डांस तो करना पड़ेगा. अब अनिरुद्ध ये सब कुछ देख रहा है, दिल से वो खुश तो नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. वैसे पर्दे के पीछे आपको एक मशीन के दीदार करवाते हैं. दिन भर खड़े रहकर शूटिंग की थकान को ये मशीन पल भर में दूर कर देता है. जी हाँ, इस मशीन पर अगर आप खड़े हो गए ना तो आपके पैरों का सारा दर्द चला जाएगा. जरा देखिए कैसे इस मशीन की जांच पड़ताल हो रही है. अब सेट पर तो सब कह रहे हैं कि इस मशीन को खरीदेंगे. फिलहाल हल्दी शुरू हो चुकी है अनिरुद्ध की. आज आप हल्दी देखिए, कल हम डांस जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आज तो केवल डांस की तैयारी हो रही है. और सुना है कि इस डांस में झनक को चोट भी लग जाएगी. तो नाचते नाचते उसको यू नो चक्कर आ जाता है. शी ऑलमोस्ट यू नो एट द वर्ज ऑफ फेंटिंग. बट हम बिल्कुल भी हम केयर नहीं करते. बासु फैमिली जैसे है, हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो नाटक कर रही है. शी वॉन्ट्स दैट काइंड ऑफ अटेंशन फ्रॉम अनी. अनी बहुत रेस्टलेस हो जाता है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि रस्म के बीच में तुम ऐसे उठ नहीं सकते, बिकॉज यू नो शुभ नहीं होता है वो. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट. ABP News, आपको रखे आगे. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है. अबीरा अरमान के पिता के साथ पोदार हाउस में आ तो जाएगी, लेकिन अरमान के पिता और अबीरा दोनों आउट हाउस में रहने का फैसला करेंगे. तभी अरमान एक बार फिर ख्वाबों की दुनिया में खो जाएगा और उसे लगेगा कि अबीरा ने उसे माफ कर दिया है. लेकिन हकीकत की दुनिया से अरमान कोसों दूर है, क्योंकि अबीरा इतनी जल्दी तो नहीं मानेगी. भाभी मान गई, भैया की हो गई, वाह भाई वाह. अबीरा ये सच्चे प्यार का रंग है, इतनी आसानी से नहीं मिटेगा बेटा. अबीरा ये
क्या कर रही हो, चोट लग जाएगी, बस करो प्लीज। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा और अनुज कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं, क्योंकि जोड़ी जब रब बनाना चाहता है तब उसे कोई नहीं अलग कर सकता। टीटू की बारात डिम्पी की चौखट पर आ तो जाएगी, लेकिन वहीं एक अलग कहानी अनुपमा और अनुज की देखने को मिलेगी, जब अनुपमा का पल्लू अनुज की आंख पर लग जाएगा और तभी अनुपमा अनुज को समझाने की कोशिश करेगी कि श्रुति ने उसे 4 साल दिए हैं, लेकिन अनुज ये मानने को तैयार नहीं होगा क्योंकि अनुज के दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा बसती है। कल श्रुति जी आई थी, उन्होंने भी 4 साल दिए हैं अब तो उनको। श्रुति जी आपसे बहुत प्यार करती है। और मैं किससे प्यार करता हूँ अनु, तुमसे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है चैनल सन नियो का शो इश्क जबरिया। गुल की एक नई मुसीबत में फंस चुकी है और उसके साथ साथ कार्तिक भी।